सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं पहली बार आप सभी को दिखाने वाला हूं UR2 अर्बन एक्सटेंशन रोड। पहली बार आप लोगों को दिखाने वाला हूं और तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है अलीपुर और ये NH 44 है। दोस्तों, पहले ये NH बन हुआ करता था, अब ये इसका नाम हटा के 44 कर दिया गया है। देखो, ये साइड में ये सर लेफ्ट हैंड पर सर्विस लाइन बनाई जा रही है। सर्विस लाइन यानी कि जो नीचे वाले वाहन हैं वो नीचे जा सकते हैं, यानी कि नरेला अलीपुर अंदर जाने के लिए तो वो सर्विस लाइन का सहारा लेंगे। तो इसी वजह से ये लेफ्ट हैंड पर देखो ये बनाई जा रही है, उधर ड्रेनेज बना दिया है और इसके साइडों में देखो बीच में ये बना रहे हैं ना रोड को। और जो आपको मेन कैरेज वे है दोस्तों, उस वो आपको फ्लाईओवर का सहारा लेना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि अभी दिल्ली से हमें गुड़गांव जाना है तो इस फ्लाईओवर पर जाएंगे, मेन कैरेज पर जो एक्सेस कंट्रोल्ड होने वाला है, यानी कि 3 लेन इस साइड, 6 लेन का ये एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे है दोस्तों। और इसमें 4 लेन मतलब कि लोकल ट्रैफिक के लिए यानी कि सर्विस लेन है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, तो ये है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों, जब हम गुरुग्राम से दिल्ली के लिए जाएंगे दोस्तों, तो देख सकते हो ये जो ये बीम डाला जा रहा है, ये बीच में बीम दिख रहा है, इस पर आएंगे हम ऊपर, इस पर हम दिल्ली के लिए चले जाएँगे दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, और यहाँ से इसको जगह दी जाएगी, ऐसा नहीं है जगह नहीं दी जाएगी, जगह दी जाएगी। देखो, ये NH 44 पर जा रहे हैं, यानी कि ये चंडीगढ़ के लिए सीधे वाहन जा रहे हैं, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पर ये इन्होंने आपको बता दिए एलिवेटेड बनाने का ही यहाँ पर इन्होंने सोचा। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है दोस्तों HG Infra प्राइवेट लिमिटेड। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर है, ये बीम बना रहे हैं ये बीच में, ताकि गुरुग्राम से वाहन आ सकते हैं और ये दिल्ली के लिए जा सकते हैं दोस्तों। और जो आपको बता दूं कि चंडीगढ़ जाने के लिए आप आएंगे तो उस वाले पल्ले तरफ का जो है उस पे जाएंगे, और जो चंडीगढ़ से आएंगे वो अंडरपास का सहारा लेंगे दोस्तों। तो यही है UR2 का नज़ारा, आप लोग देख सकते हो। पहली बार मैंने आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश की है दोस्तों। देख सकते हो, आधे तो इस पर गाय गटर द्वारा लॉन्च कर दिए जा चुके हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्च कर दिया जा चुका है दोस्तों। देख सकते हो यहाँ पर ये सर्विस लाइन बनाई जा रही है। देखो यहाँ पर ये रोरी बजरी की लेयर डाल दी है इन्होंने, बस अब फाइनल लेयर डाली जाएगी, ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों। देख सकते हो ये वाला जो एलिवेटेड पार्ट देख रहे हो, ये फ्लाईओवर, ये मेन कैरेज पर जाएगा ऊपर, और जो सर्विस लाइन पर जाने के लिए वो ये वाला है नीचे जिस पर हम चल रहे हैं। ये रोरी बजरी की लेयर डाल दी है इन्होंने, पूरा काम आपको बता दूं कि ये 8000 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है दोस्तों, और इसमें 4000 करोड़ की फंडिंग है, और 4000 करोड़ इसमें जो इसकी लागत है बनाने में वो आएगी दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तो यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये जाएगा दोस्तों द्वारका तक। तो द्वारका आप लोगों को लेकर चलेंगे आगे, तो चलते हैं और आगे क्या क्या वर्क हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं पहली बार इसका आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों। देखो, ये अंडरपास भी बना रहे हैं अंदर का, ताकि वाहन नीचे से ऊपर आ सकते हैं। तो चलो अंडरपास भी दिखा देते हैं कैसा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये अभी रेनी सीजन चल रहा है तो थोड़ा काम स्लो चल रहा है दोस्तों। चलो मैं आगे चल के दिखाता हूँ आपको इधर से, तो अभी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। देखो इसका जो ये बीच का क्या बोलते हैं अंडरपास, वो भी बनाया जा रहा है। तो देखो इसमें मिट्टी डाली हुई है और अंडरपास किस तरीके से बनाया है, तो चलो मैं आप लोगों को करीब से दिखा देता हूँ। तो ये अंडरपास जा रहा है आने जाने वालों के लिए, मतलब इधर से उधर निकल सकते हैं। देखो इसमें मिट्टी भी डाल दी है, तो काफ़ी टाइम के बाद पहली बार आप लोगों को अर्बन एक्सटेंशन फ्लाईओवर देखने के लिए मिल रहा है, जिस पर प्रोग्रेस चल रही है दोस्तों। देखो कुछ ऐसा बनाया है अंडरपास, ये है दोस्तों अंडरपास, देखो बना रहे हैं। दोनों साइड में ये उतरने चढ़ने के लिए है,
देखो ये बीच वाले लाइन है, ये तो जाएगी दिल्ली के साइड में दोस्तों, और जो उस साइड वाले जो वो पिलर हैं दोस्तों वो जाएंगे इधर सोनीपत पानीपत के लिए दोस्तों, आगे करनाल चंडीगढ़ के लिए निकल जाएगा दोस्तों। और जो बीच में जो वहाँ से जो मतलब कि जो वाहन आएंगे चंडीगढ़ की साइड से और जब जाएंगे द्वारका की साइड में, तो ये वाला रैंप है दोस्तों चढ़ने के लिए दोस्तों। तो यही प्रोग्रेस चल रही है, और ये वाला रैंप है दोस्तों, ये दिल्ली से जब आएंगे हम जाएंगे गुरुग्राम के लिए, तो ये वाला रैंप है। तो यही वर्क चल रहा है, देख सकते हो आप लोग कि अभी टाइम लगेगा, क्यों अब रेनी सीजन ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर धड़ल्ले से काम किया जाना है मेरे प्यारे दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, चारों तरफ आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही आप लोगों को यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क देखने के लिए मिलेगा UR2 का दोस्तों। देखो वो रैंप भी बना दिया है उधर का, तो इधर का रैंप अभी नहीं बना है, तो दोनों रैंप अभी देखो तीनों रैंप अभी बचे हुए हैं। उधर भी देखो वो गाटर लॉन्चिंग कर दी, उस पर फ्लोरिंग का काम भी कर दिया, तो अभी बचे हुए हैं यही पिलर, तो वर्क यही चल रहा है। और चलते हैं आगे, आगे आप लोगों को दिखाएंगे चल के कि आगे क्या कुछ वर्क चल रहा है दोस्तों, ठीक है, आगे भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी जो बीच का आपको बता दूँ कि देखो यहाँ पर टीम लगी हुई है, इसमें ये जो बीम है वो डाला जा रहा है दोनों पिलर के बीच में दोस्तों, देख सकते हो। तो यही है नज़ारे, और आप लोग बता सकते हो ये UR2 के, और ये जो जगह है दोस्तों ये है अलीपुर नरेला। देखो आगे भी अंडरपास बनाया जा रहा है, उधर भी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन हम उधर नहीं जा रहे हैं फिलहाल, तो हम इधर ही दिखाएंगे अभी आपको, या दिखा दे चल के। उधर भी काम चल रहा है, उधर भी टीम लगी हुई है दोस्तों, ठीक है। आ चुका हूँ मैं दोस्तों दूसरी साइड में, और दूसरी साइड में देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और ये देखो यहाँ पर जो इसका अंडरपास है वो भी बनाने का काम चल रहा है। देखो यहाँ JCB मशीन खड़ी हुई है जो मिट्टी को निकालने का काम कर रही है दोस्तों। क्योंकि देखो ये वाला तो ये वाला हिस्सा, तो देखो ये वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा देख रहे हो ये तो आपको बता दूँ कि जब आप गुड़गांव से आएँगे तब के लिए है ये जाने के लिए, और जब हम इधर से आएंगे यानी कि सोनीपत पानीपत साइड से आएंगे, और अगर हमें जाना है दोस्तों कहाँ के लिए, गुरुग्राम के लिए, तो इधर से ये अंडरपास का सहारा लेंगे। देख सकते हो यहाँ पर ये मिट्टी निकालने का काम किया जा रहा, मिट्टी लगाया निकाली जाएगी, फिर जिस तरीके से उधर ये बाल बनाई गई है ना दोनों साइड में, वो बाल बनाई जाएंगी दोस्तों। देख सकते हो कि कितना ही अद्भुत नज़ारा यहाँ का UR2 का दोस्तों। और जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है HGIEL, ठीक है दोस्तों, HG Infracom Limited, HG Infra। देखो जो कंपनी वर्क कर रही है वो है HG Infra। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये मिट्टी काटने का काम चल रहा है इस जगह पे, देख सकते हो NH 44 पे दोस्तों। और यहाँ से हम चलेंगे, ये रैंप देखो अभी काटा जाएगा और इस तरीके से ऐसे घूम जाएगा दोस्तों, आगे घूम जाएगा। तो चलते हैं और आगे की साइड में उधर ही दिखाते हैं चल के। तो अभी यही वर्क चल रहा है क्योंकि रेनी सीजन चल रहा था, तो काम थोड़ा स्लो चल रहा था दोस्तों, लेकिन अब ये रफ्तार पकड़ लेगा और तेज़ी के साथ में बन जाएगा। और देखो ये वाला जो बीम है वो भरने का काम किया जा रहा है, देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर है दोस्तों ये पिलर के ही हैं। चलिए अब चलते हैं, देखो ये सारा तोड़ दिया जा चुका है, चलते हैं आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को दोस्तों। ऐसे ही ले चलो, तीसरे में डाल दे, तीसरे में आराम से, आराम से, हाँ बस अब ले चल ऐसे। देखो दोस्तों ये गाटर लगाने के बाद में सेटिंग लगा दी इस गाटरों पे, और देखो ये पैराफिट पहले पैराफिट बॉल बनाए जाएंगे, फिर इसके बाद में इस पर काम किया जाएगा। और इधर का देख सकते हो ये भी ड्रेनेज भी बना दिया है, और इस पर ब्लैक टॉप भी कर दिया दोस्तों, लेकिन फाइनल लेयर का अभी काम नहीं हुआ, इस पर फाइनल लेयर भी कर दी जाएगी। देखो तो यही वर्क चल रहा है अभी जब हम अलीपुर में हैं अभी इस टाइम पर। तो देखो ये पैराफिट बॉल बना दिए है ना, बना दिए, देखो यहाँ पर ये मिट्टी डालने का काम चल रहा है, जो इसका रैंप का हिस्सा है वो बनाया जाना है अभी इस टाइम पे। लेकिन अभी जो साइड का आरी पैनल है, अभी आरी पैनल को लगाने का काम किया जाएगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दोस्तों UR2,
तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है। UR2 का देखो मिट्टी ये डाली जा रही है, अभी बीच का भी रैंप बनाया जाएगा। चलते हैं आगे और आगे क्या क्या काम हो चुका है वो सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये बना रहे हैं कोई नाला है उसको। हाँ ये देखो गंदा नाला है, देखो इधर भी अभी बनाया जाएगा, ये आगे चौड़ा किया जाएगा जैसा कि इस जगह पर कर दिया। देखो ये चौड़ा किया है ना, तो इसी तरीके से किया जाएगा, देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा है रोड दोस्तों। ये 16 लेन का एक्सप्रेसवे होने वाला है UR2, जो कि हमारे द्वारका से स्टार्ट होता है और ये अलीपुर जाकर ख़त्म होता है, या अलीपुर स्टार्ट तो अलीपुर से स्टार्ट होता है और ये जाएगा दोस्तों द्वारका तक। तस्वीरें देख सकते हो सारे में स्ट्रीट लाइट भी लगा दी जा चुकी है, स्ट्रीट लाइट के खंभे लगा दिए, अब इन पर लाइटें लगानी बाकी और इन पर फिनिशिंग का काम भी किया जाना है दोस्तों। लेकिन इस वाली रोड पर देखो DBM की लेयर कर दी है, अब इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, तो अभी नहीं हुआ है। देख सकते हो अभी यही वर्क चल रहा है सारे में। खड़ा हो जाऊं, ये देखो ये आने जाने के लिए रोड बना रहे हैं, देखो उस साइड की उन्होंने रोड बना रहे हैं अभी, वो रोड लोलर लगे हुए हैं दोस्तों। ये देखो ये जो मतलब कि फाइनल ब्लैक टॉप है वो इन्होंने कर दिया है उस साइड में। देखो सारे में स्ट्रीट लाइट के खंभे लगा दिए जा चुके हैं दोस्तों, देखो इस तरीके से ये ब्लैक टॉप किया जाता है। देखो ये रही मशीन, ये देखो ब्लैक टॉप कर रही है, UR2 को बनाया जा रहा है दोस्तों, यही वर्क चल रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क। देखो सार में ट्रक नज़र आएंगे दोस्तों, अभी फिनिशिंग का काम किया जाएगा लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। मतलब जहाँ जहाँ इन्हें जाने आने के लिए, देखो अभी इधर भी किया जाएगा लेकिन इधर नहीं किया गया, वो किया जाएगा अभी। देखो सारे में ही अभी वर्क चल रहा है दोस्तों, देखो ये अंडरपास है, यहाँ साइड में रोकिए इधर। हाँ चलो बस रुक, देखो ये अंडरपास बनाया जा रहा है, और अंडरपास किस तरीके से बनाया जा रहा है देखो, इसके जो रूफ़ टॉप के जो खंभे हैं वो लगा दिए, ये देखो, और इस पर अब रूफ़ टॉप लगाया जाएगा दोस्तों, ताकि बरसात में इसमें पानी ना जाए। ये देख सकते हो ये अंडरपास है, इधर से उधर जाने के लिए, मतलब क्रॉस करने के लिए, और इसमें बीच में से कोई ही कुछ नहीं दिया जाएगा आप सभी को दोस्तों। चलते हैं आगे, दिखाते चल के, क्यों ये इस पर चला जाता है उधर कहाँ के लिए, पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया के लिए दोस्तों, तो उसी के यहाँ पर ये फ्लाईओवर देखने के लिए मिलेगा। तो चलो दिखाते हैं चल के आपको इधर का भी दोस्तों। अब ठंडा मौसम हो चुका है और देख सकते हो यहाँ पर ये रूफटॉप का काम किया जा रहा, खंबे लगा दिए हैं रूफटॉप के, और देखो अभी ये पैरा फिटबॉल भी बनाए जाएंगे और फिर इसके बाद में ये लोहे के खंभे लगाए जाएंगे दोस्तों। ये देखो आप लोग किस तरीके से ये बना रहे हैं, ठीक है अभी चलते हैं। इसी यहीं पर रोकना, इसी के पास में देखो कुछ ऐसा काम चल रहा है यहाँ पर।
दोस्तों देखो, आपको एक और बात बताऊं कि जो मतलब कि जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको देखो रीवेस्ट कर करके देखो ये डाला जा रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये डाला जा रहा है नीचे, और नीचे डालने के बाद में दोस्तों फिर इस पे ऊपर मिट्टी डाली जाएगी, मिट्टी डालने के बाद में फिर इस पे ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है, देखो ये अंडर पास है उधर भी जाएगा और ये इधर भी आएगा दोस्तों, क्योंकि ये दोनों साइड में जाने के लिए है। देख सकते हो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है UR2 का दोस्तों, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगाएगा, काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों। देख सकते हो ये आ चुकी है नरेला रोड, दोनों साइड में ही कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इधर नरेला चला जाता है और इधर ये अलीपुर के लिए चला जाता है दोस्तों। और देखो यहाँ पर ये चौखूटे पिलर भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इधर से ये ऐसे घूमेगा, ये अलीपुर के लिए इधर चला जाएगा दोस्तों। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क अभी किया जा रहा है, लेकिन टाइम लगेगा दोस्तों। देखो इस तरीके से ये बनाया गया है ना अंडर पास। चलो तभी टाइम लगेगा दोस्तों, बस काम तो चल रहा है लेकिन इतनी तेज़ी के साथ में नहीं चल रहा है जिस तेज़ी से चलना चाहिए था, उस तेज़ी से नहीं चल रहा है अभी। तो अभी इसमें टाइम लगेगा। देखो गाटर लॉन्चिंग कर दिए, और गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में यहीं रोको। अब देखो दोस्तों आपको बता दूं कि इधर तो ये नरेला के लिए चला जाता है सीधा सीधा, और देखो ये जितने भी ये पिलर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं ये ऊपर से ऐसे घूम के इस तरीके से और ऐसे आ जाएंगे इस पे। देखो ये जुड़ गया ना, जुड़ गया। और जो अंडर पास में जाने के लिए दोस्तों, उस अंडर पास से नीचे को घुसेंगे या उधर से जब आएंगे, मतलब कि सोनीपत पानी पानीपत की साइड से आते हैं या दिल्ली की साइड में आते हैं, तो अंडर पास का सहारा लेंगे और इधर नरेला मंडी के लिए चले जाएंगे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। अभी जो हाई एक्सटेंशन जो ये लाइन है दोस्तों, इसको भी शिफ्ट किया जाएगा। तो इसको शिफ्ट करने का काम देखो किया जा रहा है। देखो वो खम्भे लगे हुए हैं पल्ली साइड में, वो भी अभी इसको भी शिफ्ट किया जाएगा, इधर से उधर किया जाना है दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीर है आप लोग देख सकते हो। और ये है जो है, ये है नरेला रोड दोस्तों। अब चलते हैं आगे, दिखाते चल के आगे क्या क्या वर्क चल रहा है इस टाइम पे। तो देख सकते हो इस पर सारे में आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। सेटिंग लगा के पहले इसके पैराफिट वॉल बनाए जाएंगे, फिर इसके ऊपर सेटिंग लगाई जाएगी दोस्तों। तो चलते हैं आगे, दिखाते चल के। ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिसिटी को शिफ्ट किया जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है जो सेटिंग को, देखो ये लगा दिया है इन्होंने, और सेटिंग लगा कर फिर इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा, पैराफिट वॉल बनाए जाएंगे, कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। देखो टीम लगी हुई है यहाँ पर जो दिन रात काम कर रही है UR2 पर। ये देखो रैंप भी बन के बिल्कुल कम्प्लीट हो गए हैं, पहले ही रैंप बना लिए थे इन्होंने, काम अभी चल ही रहा है दोस्तों, बस इस पर फ्लोर वर्क का काम रह गया है अभी UR2 पे। चलो तीसरे गियर में डाल लिया कर, अच्छा अब कितनी भी मंदी कर लिया कर, पर घरे घर नहीं करती है, ठीक है। देखो ये वाला रैंप पे ब्लैक टॉप होना बाकी रह गया है, उधर वाले पे तो ब्लैक टॉप हो गया है, देख सकते हो आप लोग। तो यही वर्क चल रहा है अभी, UR2 को बनाया जा रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा काफ़ी दोस्तों, क्योंकि इतनी जल्दी ये नहीं बनेगी, सन 2024 में कंप्लीट करके देना है NHAI को दोस्तों, हैंड ओवर करना है इन्हें, HG Infra.com द्वारा इस पे काम चल रहा है दोस्तों, जो कंपनी है HG Infra.com प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि ये ग्रीन फील्ड एरिया था तो इस वजह से इन्होंने रोड को पहले ही बना लिया दोस्तों, लेकिन जो स्ट्रक्चर हैं उसके अब बनाए जा रहे हैं, और स्ट्रक्चर भी जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। देखो अभी हमें बिल्कुल सीधा चलना है,
बिल्कुल स्लो कर ले, छोड़िए बहन पे। अभी टाइम लगेगा दोस्तों, देख सकते हो बीच का ये अंडरपास बनाया जा रहा है, अंडरपास बनाने का काम किया जा रहा है। ये देखो दोस्तों, ये है पैकेज वन। अब यहाँ से पैकेज टू स्टार्ट हो जाएगा, तस्वीरें देख सकते हो। और ये बनाया जा रहा है दोस्तों क्या, अंडरपास इधर से उधर जाने के लिए। ये नरेला चला जाता है, इधर अलीपुर के लिए चला जाता है। ये देखो, ये अलीपुर के लिए गया है और इधर ये नरेला के लिए चला गया है। और देखो अंडरपास ये बनाया जा रहा है दोस्तों, कितना ही लंबा चौड़ा अंडरपास है, कितना ही विशाल ये अंडरपास है दोस्तों। पहले तो इसका फाउंडेशन बनाते हैं नीचे का, फिर उसके बाद में ये दोनों साइड की बाल बनाएंगे, ये बाल को ऊँचा करेंगे दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे, उधर का दिखाएँगे चल के। तो उधर अभी देखने के लिए मिलेगा आप सभी को, सन 2024 में इसको कंप्लीट करके देना है दोस्तों। लेकिन आने जाने वालों के लिए बहुत सुविधा होने वाली है आने वाले टाइम में।